ईमेल कैसे जानता है कि मेल जंक है या नहीं, या म्यूजिक ऐप कैसे जानता है कि ये गाना आपको पसंद आने वाला है। यह एआई एल्गोरिदम से संभव हुआ है। एल्गोरिदम कंप्यूटर को समस्या हल करने के निर्देश देता है, जैसे रेसिपी केक बनाने का तरीका बताती है। एआई का एक सबसेट मशीन लर्निंग खुद के सबसेट में डीप लर्निंग को जोड़ता है। ये सबसेट विभिन्न कार्य प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनसे कंप्यूटर सिस्टम सीखते हैं। इनके भीतर पर्यवेक्षित लर्निंग, अपर्यवेक्षित लर्निंग और सुदृढ़ीकृत लर्निंग जैसे विभिन्न सीखने के तरीके हैं, और ये सभी निर्देशों या एल्गोरिदम के एक विशिष्ट सेट का उपयोग करते हैं जो समस्या को हल करने में कंप्यूटर की मदद करते हैं। और समस्या के आधार पर एल्गोरिदम अलग हो सकता है। इन एल्गोरिदम के कुछ मुख्य प्रकार हैं। माना आप ईमेल छांट रहे हैं, कुछ ईमेल जरूरी है, बाकी उतने नहीं। एल्गोरिदम से तय होता है कि कौन से ईमेल इनबॉक्स में होंगे और कौन से स्पैम में। एल्गोरिदम के इस कमाल को क्लासिफिकेशन कहते हैं। एक जासूस की तरह ईमेल छांटकर स्पैम खोजे जाते हैं। माना आप मकान खोज रहे हैं। रियल एस्टेट वेबसाइट कीमत का अंदाजा कैसे लगाती है? यह रिग्रेशन नामक एल्गोरिदम से होता है। एक ज्योतिषी के जैसे वह आकार, स्थान और अन्य कारकों के आधार पर अंदाजा लगाती है। कभी सोचा है कि आपका म्यूजिक ऐप आपको गानों का सुझाव कैसे देता है? क्लस्टरिंग से। पार्टी प्लानर के जैसे यह पसंदीदा गाने एक साथ रखता है और सुझाव देता है। और जब आप भूख लगने पर खाने की प्रतीक्षा में हों, तो एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम सबसे तेज रास्ता सुझाती है। यह एक मार्गनिर्देशक जैसा है जो समाधान खोजता है। डेटा वैज्ञानिक चीजें समझने के लिए कई प्रकार के एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। वे डिजिटल युग के गुप्त सुपर हीरो हैं जो हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाने में मदद करते हैं। और अच्छी बात, ये एल्गोरिदम दिन प्रतिदिन अधिक उन्नत हो रहे हैं और हमारे द्वारा उत्पन्न डेटा से सीख रहे हैं।